हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सज्जाद वानी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड इज इन द सिलेबस ऑफ जेके एसएसआरबी जनरल लाइन टीचर पोस्ट। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैप्स यूज़ किए हैं एंड आई क्लेम नो कॉपीराइट ओवर दिस मैप्स। मैंने जो भी मैप्स यूज़ किए हैं आई हैव यूज्ड देम ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज एंड उनका जो कॉपीराइट है इट बिलोंग्स टू द राइटफुल ऑनर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। हम उन आइलैंड्स की बात करेंगे विच आर मोर देन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, और हम कह सकते हैं मोर देन 100,000 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रीनलैंड से। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड ग्रीनलैंड इट बिलोंग्स टू डेनमार्क। कम से कम आपको ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे है न्यू गिनी। न्यू गिनी आइलैंड जो है इसके दो पार्ट्स हैं, द ईस्टर्न पार्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है इट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है दैट बिलोंग्स टू पैपुआ न्यू गिनी, ठीक है। एक्चुअली इसके तीन पार्ट्स हैं। वन इज द दिस पार्ट, दिस इज नोन एज वेस्ट पैपुआ, ठीक है, वेस्ट पैपुआ एंड पैपुआ एंड द थर्ड वन इज पैपुआ न्यू गिनी। द पार्ट ऑफ वेस्ट पैपुआ एंड पैपुआ इट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया एंड द पार्ट ऑफ पैपुआ न्यू गिनी इट बिलोंग्स टू न्यू गिनी। थर्ड नंबर पे हमारा है बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड जो है इसके लिए आप याद रखेंगे इट बिलोंग्स टू थ्री कंट्रीज। एम बी ए याद नहीं रखेंगे आप, एम बी आई याद रखेंगे, मलेशिया, ब्रूनी एंड इंडोनेशिया, ठीक है। तो उसके बाद चौथा आइलैंड चौथे नंबर पे है मेडागास्कर, जो रिसेंटली एग्जाम में आया था। मेडागास्कर इट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड इट लाइज इन द इंडियन ओशन, ठीक है। तो उसके बाद बैफिन आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड विच बिलोंग ऑफ कनाडा, ठीक है, इट बिलोंग्स टू द टेरिटरी ऑफ नुनावत। उसके बाद सुमात्रा इट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। सुमात्रा इज द लार्जेस्ट आइलैंड विच बिलोंग्स टू ओनली वन कंट्री दैट इज इंडोनेशिया। ये एशिया में सबसे लार्ज आइलैंड है विच बिलोंग्स टू ओनली वन कंट्री, ठीक है। उसके बाद होनशू इट इज वन ऑफ द फोर लार्ज आइलैंड्स ऑफ जापान। जापान के चार आइलैंड्स हैं होनशू, होकाइडो, क्यूशू एंड शुकैको। मैं सीरियली बोल रहा हूँ सबसे लार्ज होनशू है एंड सबसे स्मॉल शुकैको है, ठीक है। सबसे बड़ा है होनशू, ये सातवें नंबर पे है। उसके बाद विक्टोरिया आइलैंड ऑफ कनाडा, ठीक है। कनाडा में मैंने अभी तक एक तो बैफिन आइलैंड बोला, उसके बाद मैंने जिस विक्टोरिया आइलैंड बोला। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट ब्रिटेन के लिए आप फॉर्मूला याद रखें। ग्रेट ब्रिटेन में तीन पार्ट्स हैं, वन इज नोन एज द स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। इसको हम यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे। टेंथ नंबर पे हमारा एलिसमेर आइलैंड इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ कनाडा, जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद सुलावेसी आइलैंड इट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। मैंने कौन कौन सा आइलैंड बोला जो इंडोनेशिया के साथ बिलोंग करता है। न्यू गिनी इसका एक पार्ट इंडोनेशिया के साथ बिलोंग करता है। बोर्नियो का एक पार्ट इंडोनेशिया के साथ बिलोंग करता है। सुमात्रा इट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया और यहाँ पे सुलावेसी भी बिलोंग करते हैं इंडोनेशिया को। उसके बाद साउथ आइलैंड, साउथ आइलैंड बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास ही है हमारा न्यूजीलैंड, उसका नॉर्थ आइलैंड है और साउथ आइलैंड। साउथ आइलैंड इज द लार्जर वन एंड इट इज ऑन द रैंक 12, ठीक है। उसके बाद जावा इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड, इट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। उसके बाद नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, उसके बाद ल्यूजोन ऑफ फिलिपाइन, उसके बाद न्यूफाउंडलैंड ऑफ कनाडा, उसके बाद क्यूबा एंड आइसलैंड। दीज आर द 18 लार्ज आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। आप हमें देख सकते हैं ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है। तो अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन रहे यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। तो बैफिन आइलैंड, सुमात्रा, होनशू, विक्टोरिया, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, एलिसमेर, सुलावेसी, साउथ आइलैंड, जावा एंड नॉर्थ आइलैंड, उसके बाद ल्यूजोन, न्यूफाउंडलैंड, क्यूबा, आइसलैंड, मिंडानाओ, आयरलैंड, होकाइडो, हिस्पेनियोला, सैखलिन, बैंक्स आइलैंड, श्रीलंका एंड तस्मानिया। तस्मानिया इज द ऑन द साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम स्टार्ट करेंगे ग्रीनलैंड से। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इसकी लोकेशन क्या है। एक तो ये आर्कटिक ओशन के बीच में है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मीन्स यह है ग्रीनलैंड नॉर्थ में इसको आर्कटिक ओशन है और साउथ में इसका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है दैट इज नोन एज डनजॉर्न, ठीक है। डनजॉर्न इज द हाईएस्ट पॉइंट इन ग्रीनलैंड एंड द ग्रीनलैंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डेनमार्क। कम से कम ये याद रखेंगे। तो हम मैप में देखेंगे दिस इज ग्रीनलैंड। मैप को अच्छे से एनालाइज कीजिए क्योंकि अगर आप मैप ही याद रखेंगे तो आपको बाकी थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के नॉर्थ में हमारा आर्कटिक ओशन है और इसके साउथ में हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे, स्पेसिफिकली इट इज़ सराउंडेड बाय मेनी सीज। नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशन है, इसके ईस्ट में हमारा ग्रीनलैंड सी है, इसके साउथ ईस्ट में है नॉर्वेजियन सी, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके साउथ में है नॉर्थ सी ऑफ अटलांटिक ओशन, इसके
वेस्ट में है हमारा बैफिन बे एंड देर इज़ अ डेविस स्ट्रेट। अ स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज और इट सेपरेट टू लैंड मासेस। तो डेविस स्ट्रेट इट सेपरेट्स ग्रीन लैंड फ्रॉम बैफिन आइलैंड। यहीं पे आप याद रखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ओशंस हैं मीन्स सीज, तो भी सीज भी होंगे और स्ट्रेट्स भी होंगी बिकॉज व्हेन द सिलेबस सेज ओशन तो ओशन में सारा कुछ आएगा। तो मैंने यहाँ पे बोला ग्रीन लैंड को बैफिन आइलैंड से क्या सेपरेट करता है, डेविस स्ट्रेट, आप याद रखेंगे। और इट इज़ सराउंडेड बाई आर्टिक ओशन, ग्रीन लैंड सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, दीज आर द सीज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन और डेविस स्ट्रेट एंड बैफिन बे। ठीक है, इट लाइज ऑन द वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कैनाडा और आई कैन सी इट लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ द यूरोप। यहाँ से हमारा यूरोप है और यहाँ से हमारा नॉर्थ अमेरिका है, मोर स्पेसिफिकली कैनाडा है। आगे चलेंगे, सेकंड नंबर पे है न्यूगिनी। न्यूगिनी की लोकेशन है मेलानेशिया में। आप वीडियो देखिए अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया है ओशनिया किसको कहते हैं, मेलानेशिया किसको कहते हैं, पॉलिनेशिया किसको कहते हैं, माइक्रोनेशिया किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया किसको कहते हैं। सो न्यूगिनी लाइज इन द मेलानेशिया ऑन द नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज सराउंडेड बाय अराफोरा सी। वेस्ट में इसके अराफोरा सी है और ईस्ट में इसके कोराल सी है और ईस्ट में ही टोरस स्ट्रेट भी है, एक्चुअली साउथ ईस्ट में टोरस स्ट्रेट है, मैं आगे बताऊंगा। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का है पुंकक जाया, ये आपको याद रखना है। और इसके दो पार्ट्स हैं जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बोला, एक वेस्टर्न हाफ है दूसरा ईस्टर्न हाफ है। वेस्टर्न हाफ के दो प्रोविंसेस हैं एंड बोथ ऑफ दिस प्रोविंसेस दे बिलोंग टू इंडोनेशिया। वन इज नोन एज पैपवा, सेकंड वन इज नोन एज वेस्ट पैपवा और ईस्टर्न हाफ इज द कंट्री ऑफ पैपवा न्यूगिनी। हम मैप में देखेंगे दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दिस इज पैपवा न्यूगिनी। ठीक है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है इट इज नोन एज पैपवा न्यूगिनी। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, इसके दो हिस्से हैं, इसके वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं वेस्ट पैपवा और मिडल पार्ट को बोलते हैं पैपवा। दिस वेस्ट पैपवा एंड पैपवा दे बिलोंग टू इंडोनेशिया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखेंगे इसको सराउंड क्या क्या करता है। इसके नॉर्थ में हमारा नॉर्थ चाइना सी, ठीक है, इसके ईस्ट में हमारा पैसिफिक ओशन है, इसके वेस्ट में हमारा इंडियन ओशन है, दिस इज जनरल। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो यहाँ पे इसका अराफोरा सी है, ठीक है, अराफोरा सी जो इंडियन ओशन का की ब्रांच है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन का है हमारा कोराल सी, ठीक है, कोराल सी क्यों बोलते हैं आप ऑस्ट्रेलिया का वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दिस नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच सेपरेट्स न्यूगिनी आइलैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज टोरस स्ट्रेट, याद रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पैपुआ न्यूगिनी। उसके बाद आगे चलेंगे, द थर्ड आइलैंड इज़ द बोर्नियो आइलैंड। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कम से कम MBI याद रखेंगे। इट इज़ पॉलिटिकली डिवाइडेड इनटू थ्री कंट्रीज, मलेशिया एंड ब्रूनी इन द नॉर्थ एंड इंडोनेशिया इन द साउथ। एंड यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द एशिया, ठीक है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाई साउथ चाइना सी इन द नॉर्थ, मैप में देखेंगे भी, एंड नॉर्थ वेस्ट में भी साउथ चाइना सी है। सुलू सी है इसके नॉर्थ ईस्ट में, सेलिबीज सी है इसके ईस्ट में और वहाँ पे एक मकासर स्ट्रेट भी है, आगे बताऊँगा। और साउथ में है इसके जावा सी और एक कारीमाटा स्ट्रेट भी है, मैप में देखेंगे। देखिए दिस इज़ द बोर्नियो आइलैंड, ठीक है, इसके नॉर्दर्न मोस्ट यहाँ पे एक टिप है, इट इज़ द ब्रूनी, इट बिलोंग्स टू ब्रूनी और ये जो बाकी पोर्शन है इट बिलोंग्स टू मलेशिया और ये जो बाकी पोर्शन है साउदर्न मोस्ट पोर्शन इट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया, हो गया ये। उसके बाद इसके नॉर्थ में हमारा साउथ चाइना सी, इसके नॉर्थ वेस्ट में भी हमारा साउथ चाइना सी है एंड हियर इन द नॉर्थ ईस्ट वी हैव द सुलू सी, वी हैव द सुलू सी और इसके ईस्ट में हमारा सेलिबीज सी और इसके साउथ में हमारा जावा सी, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे मकासर स्ट्रेट एंड कारीमाटा स्ट्रेट। दिस पैसेज ऑफ वाटर इज नोन एज कारीमाटा स्ट्रेट एंड दिस पैसेज ऑफ वाटर इज नोन एज मकासर स्ट्रेट, ये आप याद रखेंगे। कम से कम आपको कारीमाटा स्ट्रेट याद रखना है बिकॉज इट सेपरेट्स बोर्नियो फ्रॉम जावा आइलैंड, क्योंकि जावा आइलैंड इट इज़ अ लार्ज आइलैंड, ये हमें अभी पढ़ना है तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा न्यू गिनी आइलैंड जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा, ठीक
दिस होल इट लाइज इन द इंडियन ओशन, आपको याद रखना है। सो दिस वॉज बोर्नियो। आगे चलेंगे मेडागास्कर, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड, इट लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड इट लाइज इन द इंडियन ओशन, इट लाइज ईस्ट ऑफ द मोजम्बिक, हाईएस्ट पॉइंट जो यहाँ पे है इट इज नोन एज मोरो मोकोत्रो, ठीक है, मोरो मोकोत्रो इसका हाईएस्ट पॉइंट है एंड इसकी कैपिटल है अंतानानारिवो, ठीक है, डिवाइडेड इंटू पार्ट्स आपको याद रह जाएगा अंतानाना एंड रिवो। हम मैप में देखेंगे दिस द साउदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट, मैं अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करूँ कंट्री की नहीं, एंड अफ्रीकन कंटिनेंट की साउदर्न मोस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका, दिस इज अ कंट्री, और यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम मोजम्बिक है और मोजम्बिक के करीब एक आइलैंड है विच इज़ नोन एज मेडागास्कर आइलैंड, और इन दोनों के बीच में जो चैनल है दैट इज नोन एज मोजम्बिक चैनल एंड दिस मेडागास्कर आइलैंड इट लाइज इन द इंडियन ओशन। उसके बाद बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड इट बिलोंग्स टू द कैनेडियन टेरिटरी ऑफ नुनावत एंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ कैनेडा, ये आप याद रखेंगे। और इसके बारे में अभी मैंने ग्रीनलैंड की स्लाइड पे बताया आपको दैट बैफिन आइलैंड, दिस इज द बैफिन आइलैंड, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रीनलैंड बाय द डेविस स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है, बैफिन आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रीनलैंड बाय द डेविस स्ट्रेट एंड दिस होल रीजन इट लाइज इन द आर्कटिक ओशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, दिस इज द बैफिन आइलैंड। और यहाँ पे एक और आइलैंड है दैट इज नोन एज विक्टोरिया आइलैंड, ये है कनाडा, दो इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ कनाडा, ठीक है, हडसन बे के सामने, ठीक है। आगे चलेंगे सिक्स नंबर पे है सुमात्रा आइलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, सुमात्रा आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे, बिकॉज इट लाइज इन द वेस्टर्न इंडोनेशिया एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सुंडा आइलैंड, आगे बताऊंगा। इट्स द लार्जेस्ट आइलैंड दैट इज लोकेटेड एंटायरली इन इंडोनेशिया, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है विच लाइज एंटायरली इन वन कंट्री दैट इज इंडोनेशिया, बोर्नियो भी है लेकिन दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कंट्रीज, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड एंटायरली विद इन वन कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में है इसका जावा एंड द टू आर सेपरेटेड बाय सुंदा स्ट्रेट, नॉर्थ में है मले पेनिनसुला सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ईस्ट में है बोर्नियो सेपरेट बाय कारीमाटा स्ट्रेट जो मैंने अभी बोर्नियो में पढ़ा है, और वेस्ट में है इंडियन ओशन, हम मैप में देखेंगे, दिस इज सुमात्रा, दिस इज बोर्नियो, बोर्नियो और सुमात्रा के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज नोन एज कारीमाटा, ठीक है, कारीमाटा जो मैंने अभी बताया पहले ही आपको। उसके बाद सुमात्रा और जावा के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज नोन एज सुंडा स्ट्रेट, ठीक है, सुमात्रा और मले पेनिनसुला, दिस इज द मले पेनिनसुला, पेनिनसुला आपको पता होगा, दिस इज मले पेनिनसुला, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सुमात्रा बाय द मलक्का स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है, दी आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, ठीक है, मलक्का स्ट्रेट यहाँ पे है, कारीमाटा स्ट्रेट ये है, सुंदा स्ट्रेट ये है, और यहाँ से हमारा इंडियन ओशन, तो दिस इज सुमात्रा, ठीक है, दिस इज द अंडमान सी, ठीक, आप ये याद रखेंगे। आगे चलेंगे उसके बाद होनशु, होनशु जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बोला जापान के कितने आइलैंड से, चार आइलैंड से, होनशु, होकाइडो, क्योशु एंड शुकैको, सबसे बड़ा होनशु है, ठीक है, होनशु इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ जापान, ठीक है, इट लाइज ऑन द साउथ ऑफ होकाइडो, इट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ शिकैको, इट लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्योशु। होकाइडो को होनशु से डिवाइड क्या करता है, सुगारो स्ट्रेट, शिकैको को होनशु से डिवाइड क्या करता है, इनलैंड सी, एंड क्योशु को होनशु से डिवाइड क्या करता है, कनमोन स्ट्रेट, ठीक है, हम मैप में देखेंगे, दिस इज द होकाइडो, दिस इज सुगारो स्ट्रेट, सुगारो स्ट्रेट, दिस इज शिकैको, शिकैको और होनशु के बीच में समंदर है, इसको बोलते हैं इनलैंड सी, ठीक है, और क्योशो और होनशु के दरमियान ये है दिस इज नोन एज कनमोन स्ट्रेट, कनमोन स्ट्रेट, सो दिस इज होनशु, दिस इज होकाइडो, दिस इज शिकैको, दिस इज क्योशो, क्योशो और होनशु के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज नोन एज कनमोन स्ट्रेट, शिकैको और होनशु के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज नोन एज इनलैंड सी, होकाइडो और होनशु के दरमियान जो स्ट्रेट है दैट इज नोन एज सुगारो स्ट्रेट, ठीक है, और होनशु के ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, दिस होल रीजन इज द पैसिफिक ओशन ईस्ट एंड नॉर्थ में, और इसके वेस्ट में है सी ऑफ चाइना, इनफैक्ट इसके नॉर्थ वेस्ट में भी सी ऑफ चाइना ही है, ठीक है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन इन दिस स्लाइड, एंड मैंने सी ऑफ चाइना भी बोला, मैंने पैसिफिक ओशन भी बोला, इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड,
जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला है, द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इज जावा एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इज होंशु, और यहाँ का हाईएस्ट पीक है दैट इज एन एक्टिव वोल्केनो दैट इज नोन एज माउंट फ्यूजी। सो ये मैप है इसका, ठीक है। आगे चलेंगे विक्टोरिया आइलैंड, इट इज ऑन नंबर 8। विक्टोरिया आइलैंड बिलोंग्स टू कैनेडियन आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, इट बिलोंग्स इन द आर्टिक ओशन, इट इज कैनेडा सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा बैफिन आइलैंड है। जैसा कि मैंने पहले बोला, दिस इज बैफिन आइलैंड एंड दिस इज द विक्टोरिया आइलैंड, ये कैनेडा के सामने है, ठीक है, एंड इट लाइज इन द आर्टिक ओशन। उसके बाद 9th ग्रेट ब्रिटेन वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड, इट लाइज इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, ऑफ द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। मैप में देखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द ब्रिटिश आइलैंड्स, वो मैं आगे बताऊंगा वो क्या है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द यूरोपियन आइलैंड्स। वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड, सबसे पहला है जावा, उसके बाद जापान है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है। और अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ काउंट करें आयरलैंड को और थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉलर आइलैंड्स को, इस सारे ग्रुप को हम बोलते हैं ब्रिटिश आइलैंड्स, ठीक है, आगे बताऊंगा। देखिए, दिस इज यूरोप, ठीक है, ये हमारा यूरोप है, यहाँ का सारा पोर्शन, एंड दिस इज द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बोला, ये आप एक्रोनियम याद रखोगे, SEW, इसमें स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है और वेल्स आता है। दिस इज ग्रेट ब्रिटेन, दिस स्कॉटलैंड, दिस इज इंग्लैंड, दिस इज वेल्स, दिस आइलैंड इज द ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। एंड दिस ग्रेट ब्रिटेन इज सेपरेट फ्रॉम मेन यूरोप बाई द इंग्लिश चैनल। इसके ईस्ट में है नॉर्थ सी, इसके नॉर्थ में है नॉर्वेजियन सी, इसके वेस्ट में है सेल्टिक सी, एंड दिस सी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। अगर मैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ आयरलैंड को भी लूँगा, इट इज़ नोन एज ब्रिटिश आइलैंड्स, ठीक है, एंड ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड प्लस होल ऑफ दी स्मॉल आइलैंड्स इज नोन एज ब्रिटिश आइलैंड्स आर्किपेलागो, ठीक है। और ब्रिटिश आइलैंड्स आर्किपेलागो का सबसे बड़ा जो आइलैंड है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे चलेंगे 10th नंबर पे एलिसमेर आइलैंड, इट बिलोंग्स टू द कैनेडियन टेरिटरी ऑफ नुनावत एंड इट्स अ पार्ट ऑफ कैनेडियन आर्कटिक आर्किपेलागो, आर्कटिक ओशन में है, एंड इट इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ठीक है। और जो कनाडा के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज नोन एज केप कोलंबिया, इट बिलोंग्स टू द एलिसमेर आइलैंड, ठीक है, एंड इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ कनाडा। यहाँ पे मैप में देखेंगे, दिस इज द ग्रीन लैंड, दिस इज द बेफिन बी, दिस इज द डेविस स्ट्रेट, दिस इज द बेफिन आइलैंड, वहाँ पे है विक्टोरिया आइलैंड, एंड दिस इज द एलिसमेर आइलैंड। एक्चुअली इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कनाडा, और इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज नोन एज, यहाँ पे मैंने बोला दैट इज नोन एज केप कोलंबिया, एंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कनाडा। सो दिस आर द आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, द मेजर 10 आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वारी काइंडली मेल मी ऑन सजादवानी 657, यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जेनेस अकेडमी बाय डॉक्टर सजादवानी। I will be back with more videos on Indian geography and I will be back with a mock test on world geography and Indian geography. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.